स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर अरवल जिला अंतर्गत दिल्ली पब्लिक स्कूल में झंडा तोलन के बाद आयोजित किया गया देशभक्ति नाटक मंचन एवं समारोह। 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश के जवान अर्थात इंडियन आर्मी पर नाटक मंचन भी किया गया, जिसमें शहादत और अमूल्य बलिदान को विद्यार्थियों ने दर्शाया। आप देख सकते हैं कि विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने नाटक में भाग लिया और अलग अलग नाटकीय पात्र के रूप में अपना मंचन किया। अंग्रेजी भाषा में छोटे छोटे बच्चों को भाषण देते देखा गया। विद्यालय की रौनक एवं पठन पाठन की शैक्षणिक व्यवस्था इस आदर्श विद्यालय की गरिमा को और ऊंचा करता है। तो आइए जानते हैं इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं प्रधानाध्यापक प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार, और जानते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार ने किस प्रकार समस्त शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को शुभकामना संदेश दिया। तो आइए चलते हैं। लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और अभी हम अरवल जिला के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हैं, जहां के प्राचार्य श्री धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि इनके विद्यालय में किस तरह से कार्यक्रम किया गया और किस तरह से सेलिब्रेशन किया गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। धर्मेंद्र कुमार जी से हम यह जानना चाहेंगे ये जिलावासियों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं एवं अपने शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं को क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं। तो सर, इस 15 अगस्त के अवसर पर आप जिलावासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने जिलावासियों को आजादी के 76वें दिवस का शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। अच्छा लगता है, मैं एक इंडियन नेवी देश की सेवा करने के बाद आज समाज को बदलने चला हूं, बच्चों को कलम उठाने की ताकत दे रहा हूं। अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान देके हमें आज़ाद करवाया, हमें स्वतंत्रता दिलवाया, और आज मुझे इसका फख्र होता है कि मैं आज़ाद भारत हूँ। धन्यवाद।